अधिवक्ता और प्रधान के भतीजे पर किया पेचकस और बांके से हमला, दिनदहाड़े हुई हत्या से इलाके में दहशत। बांके से हमला कर पेचकस घोंपा, फिर बोलेरो से कुचलकर खाई में फेंका। टोडरपोर ब्लॉक मुख्यालय से लौट रहे बाइक सवार अधिवक्ता और प्रधान के भतीजे को बोलेरो सवार लोगों ने रोककर पहले तो बांके से हमला किया, उसके बाद पेचकस घोंपा और फिर बोलेरो से कुचलकर उन्हें खाई में फेंक दिया। इस दौरान बाइक सवार तीसरे युवक को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। बुधवार को दिनदहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस सारे मामले की गहराई से छानबीन कर रही है। बताया गया है कि मझला थाने के पारा गांव निवासी 28 वर्षीय अधिवक्ता अमित शुक्ला पुत्र अनिल कुमार शुक्ला बुधवार को प्रधान नंदलाल कुशवाहा के 32 वर्षीय भतीजे रमाकांत कुशवाहा पुत्र शिवराम कुशवाहा और उसी गांव के 30 वर्षीय संतोष कुशवाहा पुत्र राम भरोसे कुशवाहा के साथ सरकारी काम के सिलसिले में टोंडरपुर ब्लॉक मुख्यालय गए हुए थे, जहाँ से दोपहर को तीनों लोग बाइक से वापस लौट रहे थे। इसी बीच चथिया पुल के आगे गोटिया गांव के पास सामने से आ रही बोलेरो सवार लोगों ने उन्हें रोक लिया। बताते हैं कि पहले तो गाली गलौज हुई, उसके बाद उन बोलेरो सवार लोगों ने बांके से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उन तीनों को पेचकस भी घोंपा, उसके बाद बोलेरो से कुचलते हुए उन्हें खाई में फेंक दिया। जो अब तक जानकारी मिली है, ग्राम पारा है थाना मझला में, इसके तीन युवक मोटरसाइकिल से आ रहे थे, इसमें एक अमित शुक्ला, एक रमाकांत कुशवाहा, एक और संतोष थे। और इनको इसी गांव के बड़े सिंह हैं, उनके परिवार के लोग, बोलेरो गाड़ी से उन्होंने टक्कर मारा है जिससे वो गिर पड़े। और कुछ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि उनको उसके बाद भी हमला किया गया है और उनको हॉस्पिटल ले आया गया इलाज के लिए, जहां पर कि अमित और ये रमाकांत की मृत्यु हो गई है। संतोष का इलाज चल रहा है, अभी उसकी हालत ठीक है। परिजनों द्वारा अभी तहरीर दी जाएगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर, तहरीर के आधार पर जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी पुलिस द्वारा की जाएगी। क्या सर कुछ फायरिंग वगैरह कुछ ऐसी घटना सामने अभी तक ऐसे तो संज्ञान नहीं आया है, लेकिन जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।